Sabha polls, PM Modi is all set to embark on a tour to southern India today. His tour will include visit to Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. PM Modi's grand election campaign will kick off from Kanyakumari in Tamil Nadu today and he will then go to Kerala's Pathanthitta and then visit Telangana's Hyderabad where he is also expected to hold a grand road show. Remember out of the total of 543 Lok Sabha seats across the country southern states have 129 Nine, uh, seats including 39 in Tamil Nadu, 28 in Karnataka, 25 in Andhra Pradesh, 20 in Kerala, and 17 in Telangana. This means a close to 25% vote counts are from the southern parts of the country. I'm very sure that just like his, uh, uh, his vision of Vigasat Bharat, he has a vision for Vigasat Kerala and Vigasat Patanamrita also. Um, Prime Minister is somebody who is working tirelessly to ensure that 140 crore of our population gets avenues of social and economic mobility, and everybody move together so that um, sooner than later we will be a vigorous Bharat. Well, now we are shifting our focus to the CAA showdown. Political showdown over CAA continues to escalate, especially after Union Home Minister Amit Shah clarified that no state can actually stop the implementation of CAA. Kerala Chief Minister Pinare Vijayan, on the other hand, has dared the center to implement CAA in Kerala. Vijayan said that Kerala will approach the Supreme Court to stop the implementation of the CAA, and he has also questioned the silence of the Congress party on the entire issue and said that Rahul Gandhi. Remains quiet on the issue as if he has never heard about this law. Now, Vijayan also said that Kerala will neither bow down nor keep silent over the CAA laws. Other opposition leaders also continue to oppose the CAA, calling it unconstitutional and a bid to polarize votes by BJP. Is this minorities? या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना एक भारत का विषय है भारत की संप्रभुता का निर्णय है इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में तेईस प्रतिशत हिंदू थे हिंदू और सिख थे आज तीन पॉइंट सात प्रतिशत बच गए कहाँ गए सारे इतने सारे तो यहाँ आए नहीं धर्म धर्म परिवर्तन परिवर्तन हुआ अपमानित किया गया दो के नागरिक के नाते इनको रखा गया कहाँ जाएंगे लोग ममता जी को शरणार्थी और घुसपीठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपेटियों की बात नहीं करते हैं रोहंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता छीनता है नागरिकता देता है ये शुद्ध और शुद्ध रूप से वैसे लोग जो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित रहे हैं उनको यहाँ स्थान देता है जो वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं नागरिक नहीं हैं। और यह कभी नहीं भूला जाए कि ये तीनों देश इस्लामिक रिपब्लिक से हाँ तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए चार साल तीन महीने क्यों लगे रूल बनाने के लिए कानून तो पारित हुआ बिल तो पारित हुआ था दिसंबर 2019 में बातचीत हुई थी विचार विमर्श हुआ था मतभेद थे इसका विरोध भी हुआ था पर उन्होंने अपना बहुमत क्योंकि बहुमत था भारी बहुमत था दोनों सदनों में वो बिल पास हुआ चार छः महीने के अंदर या एक साल के अंदर रूल आने थे इन्होंने चार साल तीन महीने लगाए हैं और ठीक चुनाव के एक महीने पहले वो रूल की घोषणा की है क्यों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है इस कानून में भी स्पष्ट है कि इससे जो भारतीय नागरिक है चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो बौद्ध हो ईसाई हो किसी भी धर्म के हो जो म, जो आज जो नागरिक है इस देश के कुछ नहीं होगा उनका उस, उनसे कुछ लेना देना नहीं है जो शरणार्थी हैं, जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है और वो भी एक समय में जो तय किया गया है वो अगर आते हैं तो उनको नागरिकता दी ये पलायन की बात करना ये सब ये कहां से आ रहा है